हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर एंड जीके यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। मेरा नाम है सुचरिता पंडा और मैं आज आप लोगों के साथ यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। आज से हम हमारे चैनल पर मेंस के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहां कि आपको फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स और अदर फॉरेस्ट्री रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे। तो आपको उसके लिए 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इस यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस के एग्ज़ाम के टोटल 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 आता है जनरल इंग्लिश का, जो कि 300 मार्क्स का होता है। पेपर 2 आता है जनरल नॉलेज का, जो कि अगेन 300 मार्क्स का होता है। इसमें 2 ऑप्शनल्स आपको लेने पड़ते हैं। ऑप्शनल 1 के फिर अगेन 2 पेपर होता है, जो कि फिर ईच 200 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल 2 का फिर 2 पेपर होता है, वो भी फिर 200 मार्क्स ईच का होता है। तो टोटल 1400 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। वो क्या है? वो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी गाइडलाइन, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो आप नहीं ले सकते कॉम्बिनेशन। वो है एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। ये सब कॉम्बिनेशंस आप नहीं ले सकते, बाकी कुछ भी सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आप 2 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को 2 ऑप्शनल नहीं ले सकते। 1 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, दूसरा आपको अदर सब्जेक्ट्स में से एक चूज करना पड़ेगा ऑप्शनल। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आपको जनरल इंग्लिश का ग्रामर का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा और 2 पैसेज लिखने पड़ेंगे जिसमें आपको समरी और प्रिसी राइटिंग लिखना पड़ेगा, समरी और प्रिसी लिखना पड़ेगा। फिर जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए करंट अफेयर्स से ही बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी ऑफ इंडिया, देन ज्योग्राफी ऑफ नेचर, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे जनरल नॉलेज में। और जो भी जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आएंगे उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर का सबका साइंटिफिक एस्पेक्ट पढ़ना पड़ेगा। और लिखते टाइम पे भी आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप हर क्वेश्चन का एक साइंटिफिक और टेक्निकली आपको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा आंसर में। देन कम्स टू ऑप्शनल फॉरेस्ट्री। ऑप्शनल फॉरेस्ट्री का 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। ईच पेपर फिर 4 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, पेपर 1 का, फिर पेपर 2 का सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो पेपर 1 का सेक्शन ए पहले देखते हैं। उसमें है सिल्वीकल्चर, पहला सब्जेक्ट है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ फॉरेस्ट्री। सो आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। सिल्वीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन हाँ, सिल्वीकल्चर में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जनरल सिल्वीकल्चरल प्रिंसिपल्स हमको पढ़ना पड़ेगा। देन नेचुरल रिजनरेशन, आर्टिफिशियल रिजनरेशन फॉरेस्ट का कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। देन नर्सरी के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि नर्सरी को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे वहाँ पे इरिगेशन वगैरह करते हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा हमको सिल्वीकल्चर के अंदर। देन कम्स सिल्वीकल्चर सिस्टम। सिल्वीकल्चर सिस्टम में क्या आता है?
सिल्विकल्चर सिस्टम में डिफरेंट वी हैव डिफरेंट सिल्विकल्चर सिस्टम अंडर विच द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर मैनेज्ड. दोज आर क्लियर फिलिंग सिस्टम, यूनिफॉर्म सिस्टम, यूनिफॉर्म शेल्टर सिलेक्शन सिस्टम, कोपिस एंड कंजर्वेशन सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो जिसके अंदर हम फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं. तो वो सब सिस्टम्स के बारे में हमको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा. फिर आता है सिल्विकल्चर ऑफ मैनग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट. मैनग्रोव एंड कोल्ड डेजर्ट ये दो बहुत ही अलग से इकोसिस्टम्स हैं, बहुत अलग टाइप के दो इकोसिस्टम हैं. तो इसके बारे में हमको इसका सिल्विकल्चर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. देन कम्स सिल्विकल्चर ऑफ ट्रीज. तो हम इंडिया में जितने सारे इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज हैं उसका सिल्विकल्चर हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें. तो ये हुआ सेक्शन ए. देन कम्स सेक्शन बी. सेक्शन बी में हमको एग्रोफॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्राइबोलॉजी पढ़ना पड़ेगा. पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा. तो एग्रोफॉरेस्ट्री में इसका स्कोप, नेसेसिटी, देन सोशल फॉरेस्ट्री, देन फॉरेस्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देन ट्राइबोलॉजी. ट्राइबोलॉजी के अंदर ट्राइबल सीन्स ऑफ इंडिया, कितने टाइप के ट्राइब्स हैं इंडिया में, वो कैसे रहते हैं, उनका कल्चर, उनका एजुकेशन, वो सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा. और एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के अंदर जो कितने सारे सिस्टम्स हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के उसका क्लासिफिकेशन, देन मल्टीपर्पज ट्री स्पीसीज, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा एग्रोफॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और ये इस यूनिट के अंदर ये सब पढ़ना पड़ेगा हमको. देन द नेक्स्ट यूनिट इज फॉरेस्ट सॉयल, सॉयल कंजर्वेशन एंड वाटरसेड मैनेजमेंट. इसमें हमको फॉरेस्ट के सॉयल को कैसे कंजर्व करते हैं और कैसे हम वाटरशेड को मैनेज करते हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. और फॉरेस्ट सॉयल को पढ़ते टाइम पे हमको नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, माइक्रोराइजा के बारे में पढ़ना पड़ेगा. ये सब पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट के अंदर. द नेक्स्ट यूनिट इज़ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी. सो ये जो जनरल एनवायरमेंट के बारे में जो भी एक पेपर होता है यूपीएससी में, तो उस वो इस यूनिट के अंदर कवर हो जाएगा. लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब हमको इस यूनिट के अंदर पढ़ना पड़ेगा. ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल मेजर्स, जो कि क्या क्या कंट्रोल मेजर हम ले रहे हैं एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, वो सब हमको इस यूनिट के अंदर पढ़ना पड़ेगा. देन द नेक्स्ट यूनिट इज ट्री इम्प्रूवमेंट एंड सीड टेक्नोलॉजी. इसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्री इम्प्रूवमेंट में जनरल मेथड्स एंड टेक्निक्स लाइक सच एज ग्राफ्टिंग एट्सेट्रा, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा कैसे हम ट्री को इम्प्रूव करते हैं. देन सीड टेक्नोलॉजी में हम कैसे फॉरेस्ट्री सीड को हम कैसे कंजर्व करते हैं, उसको कैसे स्टोर करके रखते हैं, क्या क्या डिजीज इंसेक्ट पेस्ट होता है सीड के लिए और ट्री के लिए, और फॉरेस्ट जेनेटिक रिसोर्सेस, जीन को हम कैसे कंजर्व करके रखते हैं, इनसीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट के अंदर. देन लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, पेपर वन खत्म हो गया, अब आया पेपर टू. पेपर टू के सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में है फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसके अंदर हमको फॉरेस्ट मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल है, क्या उसके टेक्निक्स हैं, वो पढ़ना पड़ेगा. तो सस्टेंड यील्ड क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, नॉर्मल फॉरेस्ट क्या होता है, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर. देन फॉरेस्ट वर्किंग प्लान. फॉरेस्ट वर्किंग प्लान, एक वर्किंग प्लान एक होता है जिस जहाँ पे फॉरेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे उसका प्रोसीजर लिखा जाता है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें. देन कम्स फॉरेस्ट मेंसुरेशन एंड रिमोट सेंसिंग. फॉरेस्ट मेंसुरेशन में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्री के डायमीटर हम कैसे मेजर करते हैं, गर्थ कैसे मेजर करते हैं, वो सब हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें.
देन कम्स फॉरेस्ट सर्वेइंग एंड फॉरेस्ट इंजीनियरिंग. इसमें फॉरेस्ट सर्वेइंग के डिफरेंट मेथड्स जैसे मैप रीडिंग और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेस्ट इंजीनियरिंग, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट के अंदर. देन सेक्शन बी में क्या है, फॉर पेपर टू के सेक्शन बी, उसमें है फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इथनोबॉटनी. फॉरेस्ट इकोलॉजी में हमको फॉरेस्ट, जितने डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स हैं इंडिया में उसको वो जानना पड़ेगा. और इथनोबॉटनी में हमको डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स, उसके बॉटनिकल फीचर्स और मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्शन एंड टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग प्लांट्स एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा. देन द नेक्स्ट यूनिट इज फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. सो हम क्या क्या रिसोर्स हम पाते हैं फॉरेस्ट से और उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. देन कम्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के अंदर ये आता है कि हम फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, उसके फॉरेस्ट को कौन से वजह से इंजुरी पहुंचता है, उसके एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स क्या है जो जिसके वजह से फॉरेस्ट को इंजुरी पहुंचता है, उसको पढ़ेंगे. और उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, जैसे कि इंसेक्ट पेस्ट फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे. और देन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी. वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी ये है कि जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं फॉरेस्ट के अंदर उनके बायोलॉजी हमको इसमें पढ़ना पड़ेगा और उनका ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट रहता है उनके ऊपर और हम उसको कैसे मैनेज करेंगे वाइल्ड लाइफ को, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे. देन फॉरेस्ट, द लास्ट यूनिट इज फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड लेजिस्लेशन. फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ेंगे कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एस्टिमेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, देन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब पढ़ेंगे हम फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स में. देन फॉरेस्ट लेजिस्लेशन मीन्स डिफरेंट रूल्स, जो रूल्स सब हैं हम फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, बहुत सारे पॉलिसीज हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा किया गया है फॉरेस्ट को कैसे हम मैनेज करेंगे, उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज लिखे गए हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेशन के अंदर, फॉरेस्ट लेजिस्लेशन यूनिट के अंदर. तो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1894, 1952, 1919, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 ऑफ पीपल्स मूवमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड इश्यूज, ये सब हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर. सो दैट्स इट, ये हुआ टोटल सिलेबस. सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.